Okay, hello everyone. Good evening to you all, and I welcome you all to Neet Voya channel, a channel on the platform of Uncademy. Hello Anshika, nice to see you here. Good evening. So as you all know, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि I'm going to bring a kind of surprise for you all. This surprise obviously academic related, और ये आपकी revision को और बेहतरीन बनाएगा. आपके जितने भी preparation आपने अभी तक किया है NEET के लिए, मैं और आपको एकदम बहुत अच्छे तरह से आपको एक revision कराने वाली हूँ इस session में, 7 बजे वाले session में, जिसका मैंने नाम दिया है guest paper. राइट, उस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि नीट वॉया चैनल पे आपकी गेट सेट गो सीरीज भी चलती है. राइट, जहाँ पे मैं सुबह 9 बजे जूलॉजी का रिवीजन करा रही हूँ. ये आपकी 24 अगस्त से शुरू हुई है और आपका लास्ट क्लास कब होगा, 12 सितंबर को नीट के पहले, जहाँ पे हम सारे चैप्टर्स के रिवीजन करा देंगे. तो आज हमने क्या किया था, पेरी प्लैनेट है अमेरिकन, राइट, कॉकरोच का हमने रिवीजन किया था. कल हम क्या करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू. तो सुबह 9 बजे एनिमल टिश्यू का मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगी. राइट, तो एज यू ऑल नो, आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. हेलो अनुषा, हेलो सबा, हेलो समरीन, हेलो शशांक, नाइस टू सी यू ऑल हियर. एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो इन IISc बैंगलोर. एज यू ऑल नो कि मैं स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ. अभी आपका 4:30 को एक स्पेशल क्लास था. राइट, एवरी डे मेरा 4:30 को होता है. आज आपका एक थोड़ा स्पेशल क्लास है और वो होने वाला है 8:30 को लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. पेरी प्लैनेट अमेरिकाना, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के ऊपर आपके जितने भी डाउट्स है वो आज आप मुझसे पूछ सकते हो 8:30 बजे, क्योंकि संडे को आपका डाउट सेशन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उस दिन आपकी एग्जामिनेशन है. राइट, ओके. अब मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरा प्लस कोर्सेज भी लॉन्च होने वाला है. तो स्पेशल क्लास और प्लस क्लास दोनों में आने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. एंड एज यू ऑल नो कि उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, इंटरेक्शन एजुकेटर के साथ बहुत बेटर होता है. आपने ऑलरेडी देखा होगा, आपके सारे क्वेरीज वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं. राइट, आप वहाँ पर आपके चैट बॉक्स के साथ साथ एक क्वेश्चन का कॉलम भी होता है. लाइव पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, तो आपके टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट सीरीज जो भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज हमारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट था. राइट, तो आप वहाँ भी आ सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए. उस टाइम पे मैं आपके लाइव पोल्स क्रिएट करती हूँ, नीट पैटर्न पे ही वो होता है. सही जवाब देंगे, 2 कैटेगरी में आपका नाम लीडरबोर्ड पे आने वाला है. एक कैटेगरी होती है कि आपने कितना फास्ट आंसर किया है, एंड द सेकंड कैटेगरी इज नथिंग बट वेदर यू हैव आंसर्ड करेक्टली और नॉट. The best feature of Uncademy platform is nothing but the live doubt clearing session. और ये session आज ही मैं आपका लेने वाली हूँ 8:30 बजे, मैंने आपको बताया है. These are some of our best educators on Uncademy platform. And as you all know कि 14th को मेरी plus courses लॉन्च होने वाली है. You are going to get the post as well. आपको promo video भी आप जाके check कर सकते हो मेरे profile के नीचे, upcoming plus courses में आपको मिल जाएगी. राइट, तो उस पे आने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक द प्लस कोर्स, प्लस बटन इसमें, ठीक है. 14 सितंबर से शुरू होगी, मैं टारगेट 2022 से शुरू कर रही हूँ, 2021 भी होने वाला है. पहला मैं 2022 से शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम 11th का जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, वो चैप्टर से शुरू कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो हम डिफिकल्ट से ईजी में जाने वाले हैं, ठीक है. आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल. Yes, so this chemical coordination and integration chapter, then you have to click on NEET UG and then you have to click on nothing but get subscription button. And obviously आपकी subscription बहुत ही affordable है, cost friendly है. अगर आप 2022 में appear कर रहे हो तो, और अगर आप suppose इस chapter को समझना चाहते हो, तो वो chapter तो आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा. जब आप NEET के लिए prepare करोगे next year, जो 12th में हो उनको भी तो 11th के chapters भी देने हैं ना, तो it is beneficial for both of these students, ठीक है. तो आप चाहे तो 2 साल का ले लो या तो 1 साल का ले लीजिए. 2 साल का यू हैव टू पे 30,400 फॉर एन एंटायर 2 whole years, ठीक है, और 1 ईयर के लिए हैव टू पे 27,000. कोई भी आप इसमें से ले लीजिए प्लान, आपको 10% बिल्कुल ऑफ मिल जाएगा. हेलो तनुषा, गुड इवनिंग. बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड. ये आपका कोड है, क्या है कोड का नाम, SWAGATA स्वागता. दिस इज अ वेरी सिंपल कोड, इसको प्लीज अप्लाई कीजिए मेरे प्लस कोर्सेज पे आने के लिए. यू विल गेट 10% डिस्काउंट. हम लोग टेलीग्राम ऐप में भी है, नीट वॉया चैनल इज द नेम ऑफ आर टेलीग्राम ग्रुप. आप इसे ज्वाइन कर सकते हो टू रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट योर क्लासेस. सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू कि वॉट डू आई मीन बाई गेस्ट पेपर. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपको बस 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड में बताती हूँ.
मैंने क्या किया है कि आपके पिछले 10 साल के जितने भी पेपर्स थे नीट के, AIPMT पहले होता था ना 2015 के पहले, और आपके एम्स के भी, एंड आई चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स दे आर फॉलोइंग, किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाला है, वो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही रहे हैं। मैंने पैटर्न को समझा और मैंने ये सोचा कि दोनों अब एग्जामिनेशन मर्ज हो चुकी है आपकी नीट और एम्स की, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने फुल सिलेबस हर एक चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके सामने लाया है। मैं वो क्वेश्चन पढ़ूंगी, आई सॉल्व देम इन फ्रंट ऑफ यू, आप भी उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन आंसर मी हेयर ऑन द कमेंट बॉक्स। अगर मुझे आपका आंसर सही लगा, आई एम गोइंग टू टेक योर नेम एज वेल। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ये आपका ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, एंड आई फील कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पिक्यूलियर कलर ऑफ गोल्डन राइस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, क्या एक्यूमुलेट होता है वहां पे, आपकी बीटा कैरोटीन एक्यूमुलेट होती है, यू ऑल नो दैट। और ये बीटा कैरोटीन क्या है, आपकी वाइटामिन ए एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, राइट। बीटा कैरोटीन की एक्यूमुलेशन की वजह से इट हैज दिस गोल्डन, एक्चुअली येलोइश कलर होता है उनके एंडोस्पर्म का, राइट। ओके, हेलो अंशिका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, शशांक, तनुषा, अंशिका, यू हैव गिवन द राइट आंसर, यस इट इज ए, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आ चुका है, यहाँ पे लेट सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ये आपकी एनिमल किंगडम चैप्टर से मैंने लिया है, राइट। सो आई फील कि इसमें से भी ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है आपके एनिमल किंगडम से, है ना, तो मैंने हर एक क्वेश्चन के वेटेज को देखते हुए लिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल्स एंड देयर कैरेक्टर्स, राइट। ओके, कैलोटिस एंड हाइला, कैलोटिस क्या होता है, आपकी गार्डन लिजार्ड का साइंटिफिक नेम है, है ना, तो ऑब्वियसली वो क्या है, रेप्टाइल है। हाइला इज नथिंग बट अ फ्रॉग, है ना, ट्री फ्रॉग, तो हाइला इज एम्फीबिया, उन दोनों में टू चेम्बर्ड हार्ट तो नहीं होती, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, है ना। ओके, थैंक यू तनुषा बच्चा, थैंक यू सो मच, लेट्स सी। अच्छा, मुझे आंसर भी मिलना शुरू हो चुका है, शशांक ने दे दिया आंसर। इकाइनोडर्म्स एंड एस्केलमिंट्स आर साइजोसिलोमेट्स, नहीं, ये साइजोसिलोमेट तो है बट इकाइनोडर्म्स एंड एंटरोसिलोमेट, तो ये भी नहीं होगा। टेरोपस एंड नियोफ्रॉन, ठीक है, ऑब्वियसली दीज टू आर नथिंग बट योर एप्स, वन इज बिलोंग टू एप्स एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर मैमल, ये कैंगारू है, नियोफ्रॉन इज वल्चर, है ना, तो एमनियोट्स नहीं होते, दे आर एमनियोट्स, आपको पता है ना कि एप्स, रेप्टाइल्स एंड आपकी मैमल्स, ये जो तीन क्लास होते हैं इनके एग्स को हम क्या बोलते हैं, एमनियोट्स। क्यों एमनियोट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके एग में चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन, कोरियन, योक सैक और आपकी एलेंटॉइस, ये बाकियों में नहीं होती है, इसीलिए एमनियोट्स बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया, है ना। नीरीज, एफ्रोडाइट, ये दोनों के दोनों आपके किसको बिलोंग करती है, एनिडा को, और बिल्कुल सही, दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। शशांक, समरीन, तनुषा, राशिता, सबा, अंशिका, अनुषा, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एव्स, इसमें से कौन सा सही है एव्स के लिए, फॉर बर्ड्स। अगेन आपकी एनिमल किंगडम चैप्टर से एक और मैंने मोस्ट पॉसिबली या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से मैंने लिया है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। करेक्ट पूछा है उन्होंने, राइट। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट, नहीं, आपके बर्ड्स में यू सी द प्रेजेंस ऑफ राइट सिस्टमिक आर्च, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च तो हमारे पे होती है ना, आपकी जो एओटा है वो आपके लेफ्ट की तरफ ऐसे बेंड होती है, तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च हमारे में राइट एब्सेंट होता है, बर्ड्स में राइट है, ठीक है, राइट। तो ये तो आपकी ऑब्वियसली गलत हो गई, राइट ओवरी प्रेजेंट, नो, उनकी सिर्फ लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, तो ये भी गलत हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑल एव्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो उनका लाइट वेट कैसे होगा, फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए दे हैव नो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एव्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, यस दिस इज राइट, वी ऑल नो कि जो रेप्टाइल्स है आपकी, उन्होंने आपके कोएवोल्यूशन शुरू शो किया था, जिसमें आपकी बर्ड्स दैट इज एव्स एंड मैमल्स दोनों ही आए थे, बर्ड से मैमल्स नहीं आए, मैमल्स रेप्टाइल्स से आए, बर्ड्स भी रेप्टाइल्स से आए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है रशिता, सिमरन, समरीन, सबा, शशांक, अंशिका, अनुषा, तनुषा, परफेक्ट, राइट। सो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है थर्ड का। अब फोर्थ भी आ चुका है, चलो फोर्थ का क्या आंसर होता है, लेट्स सी दैट। तो फोर्थ में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, एफ्रोडाइट,
एफ्रोडाइट सी माउस है, यस करेक्ट, एफ्रोडाइट सी माउस ही होता है, एनिलिडा को बिलोंग करता है, टेरेडो इज मोलस्क का, उसको हम शीप वॉर्म बोलते हैं, बिल्कुल सही है, शिप वॉर्म सॉरी, लिम्यूलस, लिम्यूलस इज नॉट हर्मिट क्रैब, लिम्यूलस क्या होता है आपका, किंग क्रैब है राइट, इसको हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका, हॉर्स शू क्रैब राइट, इसको हम लोग हॉर्स शू क्रैब भी बोलते हैं, तो ये हो गया आपको इनकरेक्ट पूछा गया था, रॉन्ग पूछा गया था। एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, एक्सोसीटस इज अ बोनी टाइप ऑफ फिश, वो ऑस्टिक थाइस में आता है ना, ओके आपने समरीन ने सही जवाब दिया है, सिमरन, तनुषा, सबा, अंशिका, शशांक, अनुषा, बिल्कुल सही जवाब दिया है सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, मोस्ट प्रोबेबली आज क्वेश्चन हम आज गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे नीट वॉयज चैनल पे, या चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनकेडमी, फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू योर फाइलम एस्केलमिंथ्स, मतलब कौन सा इसमें से निमेटोड है आपको ढूंढना है। चलो एकॉर्न वॉर्म, ये एकॉर्न वॉर्म तो आपकी बैलोनोग्लॉसिस, ये किसको बिलोंग करती है, हेमीकॉर्डेटा को, ठीक है, ये हेमीकॉर्डेटा को बिलोंग करेगी। शिप वॉर्म मैंने अभी आपको बोला था, शिप वॉर्म किसको बिलोंग करती थी, मोलास्का को, टेरेडो उसका साइंटिफिक नेम है ना। बोल वॉर्म क्या है, दैट इज नथिंग बट योर, इट्स अ डिप्टेरन, जस्ट अ सेकंड, इट्स अ डिप्टेरन हियर, इट्स एन इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा लिख देते हैं, चलो उसकी ऑर्डर ना लिख के उसकी फाइलम को ही लिख देते हैं, आर्थ्रोपोडा है। पिन वॉर्म इज एंटेरोबियस, एंट्रोबियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवॉर्म, तो एंट्रोबियस किसको बिलोंग करता है, एस्केलमिंथस को बिलोंग करता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, डी इज द राइट आंसर। रशिता आई गेस यहाँ गेस्ट पेपर हो रहा है, यहाँ पे टारगेट 2022 नहीं हो रहा है राइट, ओके तो शशांक ने सही जवाब दिया है, अंशिका ने सही जवाब दिया, तनुषा, सिमरन, सबा, अनुषा, परफेक्ट, यस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सेवन सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, गेस्ट पेपर हम कर रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसल्स, इसमें से कौन सा मसल के लिए सही होगा, क्या करेक्ट ऑफ इसमें से स्टेटमेंट है। कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल आर वॉलेंटरी, क्या आप अपने हार्ट को, दिल को बोल सकते हो कि अभी मत धड़को, रुक जाओ, नहीं ना, तो इट इज इनवॉलेंटरी, तो ये आंसर गलत हो गया, स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक नहीं होती है। स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओनली स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसीलिए तो हम स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं, सिंसाइशियल है ना, ओके। देन वी हैव स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल लैक इंटरकनेक्टेडनेस, यस दिस इज राइट, आपकी इंटरकनेक्टेडनेस किस में होती है, सिर्फ कार्डियक मसल में होती है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस का काम क्या है, एक तो दो मायोफाइबर, दो मसल के जो सेल्स है उनको अटैच करके रखती है, और आपकी इंटरसेलुलर एक्सचेंज भी वो अलाउ करती है। स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल आर सिलिंड्रिकल इन शेप, नो, स्केलेटल मसल होती है सिलिंड्रिकल, बट स्मूथ मसल का शेप क्या होता है, स्मूथ मसल का शेप ऐसा होता है, स्पिंडल शेप होती है आपकी स्मूथ मसल, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सी। देखते कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, आई थिंक समरीन ने दिया है, देन अंशिका ने दिया है, तेजस, सबा, रशिता, शशांक, तनुषा, सिमरन, अनुषा, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिन्होंने भी सी दिया है सही जवाब है। सेवेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथीलियम इज प्रेजेंट इन, स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या है, मल्टी लेयर्ड, स्क्वामस थिन, केराटिनाइज मतलब क्या है, ड्राई, उसमें केराटिन लेयर है, द अपर स्ट्रेटम कॉर्नियम इज प्रेजेंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ मेल यूरिथ्रा, बिल्कुल नहीं, इंटरनल पार्ट है ना, किसी भी इंटरनल ऑर्गन में कभी ड्राई स्किन नहीं देखोगे आप, इंटरनल पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज वेट स्किन, नॉन केराटिनाइज्ड होगा, तो एपिडर्मिस ऑफ मैन ये आपका क्या है, ड्राई है, यहाँ पे आपको म्यूकस वगैरह सीक्रेट होते हुए दिख रहा है, नहीं ना, तो इसकी इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट है, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ओके। बाकियों में आप क्या देखते हो, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ऑन दे हैव नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया है तेजस, तेजस ने सही जवाब दिया है, देन वी हैव रशिता, तनुषा, समरीन, एब्सोल्युटली राइट, बी आपने आंसर दिया है, अंशिका, सिमरन ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट। एट्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन हैज कनेक्सिन प्रोटीन एंड आयंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड, सो इस पूरे क्वेश्चन में से आपको बस यही चीज लेना है कि आयन को ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल्स कौन अलाउ करता है, वी ऑल नो कि सिर्फ गैप जंक्शन ही वो एक जंक्शन है जो इंटरसेल्युलर एक्सचेंज को अलाउ करता है, और कोई नहीं करता है, टाइट जंक्शन तो बिल्कुल नहीं करेगा, एडहेरिंग जंक्शन जस्ट अटैच करके रखता है, डेस्मोसोम इज अ टाइप ऑफ एडहेरिंग जंक्शन, वो भी अटैच करके रखता है दोनों सेल को एक साथ, एडहेर करता है।
बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा, अंशिका, समरीन, सिमरन, परफेक्ट, शशांक, तेजस, रशिता, सबा। चलो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। आप टेंडन इज मेड अप ऑफ व्हाट, टेंडन किस चीज से बनी हुई होती है, आपकी एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल चैप्टर से लिया हुआ है इस क्वेश्चन को। टेंडन क्या है, टेंडन वी ऑल नो इज नथिंग बट योर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बट यहाँ डेंस रेगुलर दिया हुआ नहीं है, तो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है वो, उसमें किस तरह की कनेक्टिव टिश्यू मिलती है, दे आर मेड अप ऑफ नथिंग बट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट में क्या होता है, येल्लो फाइब्रस, दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हेन यू सी योर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्यों इसको डेंस बोलते हैं, बिकॉज इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स कम होंगे और मैट्रिक्स ज्यादा होगा, इसलिए वो लूज है, राइट। डेंस में और रेगुलर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट, उसके फाइबर्स की अरेंजमेंट पैरेलल है, तभी तो आपके टेंडन या लिगामेंट जो भी आप देख लो, दोनों इसका एग्जाम्पल है। सपोज आपका ये बोन है ह्यूमरस और आपका रेडियस अल्ना है, यहाँ पे टेंडन है ना, सपोज यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट है, बोन टू बोन कनेक्शन इज लिगामेंट, तो आप इसको ऐसे फ्लेक्स कर रहे हो, इस तरफ का फ्लेक्स तो इजीली हो जा रहा है, आप इसको उल्टा फ्लेक्स कर सकते हो, नहीं ना, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ एक तरफ दे रही है, तो ये पैरेलल अरेंज है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में होगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होती है। इरेग्युलर का दोनों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जैसे आपकी स्किन के बीनीथ इरेग्युलर होता है, तो स्किन आराम से स्ट्रेच हो सकती है प्रॉपरली किसी भी डायरेक्शन में। तो आपका जो टेंडन होता है इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और जो लिगामेंट होता है वो येल्लो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, राइट। चलो टेंथ क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, आई थिंक शशांक ने सही जवाब दिया है पिछले का, सी बिल्कुल सही जवाब दिया है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपने बोला है, पता चल गया ना, लिगामेंट अगर पूछा तो येल्लो कनेक्टिव टिश्यू लिख के आना है, गलती नहीं करना है, तभी मैं ये सेशन ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो टेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कॉकरोच, इसमें से कौन सा गलत है, कॉकरोच के बारे में पूछा है। 10 pairs of spiracle present, बिल्कुल सही है, 2 pairs thorax में होती है, 8 pairs कहाँ पे होती है, abdomen, सुबह ही हमने इसका revision किया था, है ना। Biting and chewing type of mouth part present, yes, बिल्कुल सही है। Anal styles, hello Anshu, anal styles are present in 9 sternum of only male cockroach, बिल्कुल सही है, 9 sternum से arise होती है anal style, right, उसका function क्या होता है, copulation में वो help करता है। Male genital pore, उनमें कोई pore present नहीं है, सबसे पहले ही गलत हो गया, तो बाकी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पोर इज नॉट प्रेजेंट, दे जस्ट हैव अ गोनापोफाइसिस, ठीक है, तो यस दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट ही तो ढूंढना था, ओके राइट। अब देखते हैं, हाँ जी अंशिका ने सही जवाब दिया है, समरीन, सिमरन बिल्कुल सही जवाब दिया है, डी आपने बोला है, अनुषा ने भी सही जवाब दिया है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एनल स्टाइल तो ओनली मेल में ही है ना, फीमेल में तो हमें नहीं दिखता है। चलो 11th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन हियर, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। Which of the following statement is wrong? ये आपकी biomolecules से मैंने ली है chapter से। Competitive inhibition is reversible. Yes, this is right. Competitive inhibition में क्या होता है? Substrate और आपकी inhibitor दोनों present है और inhibitor is resembling the substrate. तो दोनों एक दूसरे के साथ fight करें कि कौन आगे जाके active site के साथ जुड़ जाएगा। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, सपोज आपकी substrate की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इट विल विन द रेस। अगर inhibitor की ज्यादा तो inhibitor विल विन द रेस, ठीक है। तो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो इसको रिवर्स कर सकते हैं हम, राइट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज मेलोनेट, नहीं यहाँ पे ही तो गलत हो गया, मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कैसे, मैंने कल ही आपको बताया था, सपोज एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, और ये किस पे काम करेगी, ये काम करेगी एक सबस्ट्रेट पे जिस सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड है, और सक्सिनिक एसिड को ये कन्वर्ट करके प्रोडक्ट देगी, लेकिन इसके एक इनहिबिटर आ जाता है इसके पास, उस इनहिबिटर का नाम क्या है, उस इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट, ठीक है, तो दिस इज एन इनहिबिटर, तो ये जाके बाइंड कर जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ, क्योंकि वो कम्पीट कर रहा है फॉर द एक्टिव साइट और प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल है, ना कि इनकॉम्पिटेटिव, तो आपको आंसर मिल गया क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पूछा था कि क्या होता है, ठीक है, राइट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सिमरन, देन योर जस्टिन, शशांक, परफेक्ट, यस 11 का बी होगा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो 12th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा आपका नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपकी
बायोमोलिक्यूल्स से ही लिया गया। और याद रखिए कि ये बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको बोला था कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि अगर उनके राइट साइड में फ्री ओएच ग्रुप नहीं है तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के सी यू टू प्लस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है और सी यू प्लस नहीं बनाता है, तो रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ। वो कौन कौन से है? एक तो सुक्रोज, एक आपकी ट्री हेलोज, ये दोनों ही आपके क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और माल्टोज का क्या है कि इसके राइट हैंड साइड पे फ्री ओएच ग्रुप है, वो आराम से सी यू टू प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करके सी यू प्लस बनाएगा। आपको दिख तो नहीं रहा है ना सी यू टू प्लस सी यू प्लस हो रहा है, आपको बस कलर चेंज दिखेगा, ब्लू से ऑरेंज हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। एंड शशांक ने सही जवाब दिया है, एंड देन हाँ जी शशांक ने सही जवाब दिया, आई थिंक आज सुबह ही मैंने ये बोला था आपको, राइट? ओके परफेक्ट। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, मैंने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स की चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन गो एंड चेक माय ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस इन द ऐप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलो 13th क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड? आप सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए वी नीड अ फॉस्फेट ग्रुप, आपको सबसे पहले एक फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत है। वो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच्ड होगा? एक पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड होगा वो, है ना? पेंटोज शुगर किसके साथ अटैच्ड होगा? ये एक नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच्ड होगा। तो ये तीनों मिला के आपको न्यूक्लियोटाइड बनती है। तो इसमें से कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है पूछा है, राइट? 13 का, सो लेट्स सी क्या होगा। एडेनिलिक एसिड का मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम है एटीपी, है ना? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी है, इसके पास एडेनाइन भी है नाइट्रोजनस बेस, और इसके पास क्या है, राइट, पेंटोज शुगर, या तो राइबोस या तो डीऑक्सीराइबोस। यूरिडिन, यूरिडिन में क्या होता है? एक तो आपके पास यूरासिल होगा, एक नाइट्रोजनस बेस, प्लस इसके पास क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग बट अ पेंटोज शुगर। कौन सा पेंटोज शुगर होगा इसके पास? नथिंग बट राइबोस, क्योंकि यूरासिल है, वो सिर्फ आरएनए में मिलती है, है ना? गुड इवनिंग आलोक, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। ओके, थाइमिडिन में क्या होता है? एक तो उनके पास थाइमिन है, एक नाइट्रोजनस बेस है, प्लस उनके पास एक पेंटोज शुगर है, तो फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में ही नहीं है ना, तो वो न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बना, तो बोथ बी एंड सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आलोक ने सही जवाब दिया है, जस्टिन ने सही जवाब दिया है, तनुषा, अनुषा, सबा, परफेक्ट, वी हैव गिवन द राइट आंसर। चलो 14th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फॉर देयर एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्स व्हाट? यू ऑल नो कि किसी भी एपो एंजाइम को होलो एंजाइम बनने के लिए, सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली, और एक्टिव एंजाइम बनने के लिए इट नीड्स अ कोफैक्टर, राइट? ये उसकी होलो एंजाइम है, सो इट नीड्स अ कोफैक्टर, राइट? ये कोफैक्टर आपकी दो तरह की होती है, तो प्रोस्थेटिकली अटैच्ड होगा या तो टेम्पररी अटैच्ड होगा। जो प्रोस्थेटिकली मतलब परमानेंटली अटैच्ड है वो होता है आपकी मेटल आयन, सो दैट कुड बी सी यू टू प्लस, दैट कुड बी जिंक, दैट कुड बी आयरन, दैट कुड बी मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, और आपकी एक और क्या होती है, वाइटामिन्स वगैरह, एनएडी, एफएडी, एनएडीएच, एफएमएन एंड सो ऑन। तो आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेज को किसकी जरूरत होती है? जिंक को किसकी जरूरत होती है एज अ कोफैक्टर, एंड साइटोक्रोम को किसकी जरूरत होती है? कॉपर की, ठीक है? सो दीज आर द कोफैक्टर्स फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड साइटोक्रोम रेस्पेक्टिवली टू बिकम एन होलो एंजाइम एंड वर्क प्रॉपरली, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा ने, समरीन, आलोक, सिमरन, शशांक, सबा, अनुषा, परफेक्ट, यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी 15th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन आर रिप्लेसेबल? कितनी टीथ दोबारा आती है, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट डाइफायोडॉन टाइप ऑफ टीथ। तो हमें पता है कि डाइफायोडॉन टीथ कब कब आती है। इफ यू टेक इन्फेंट फॉर्मूला, इन्फेंट का फॉर्मूला क्या है कि दो इंसाइजर होते हैं, एक उनका कनाइन होता है, जीरो प्रीमोलर्स होते हैं और दो मोलर्स होते हैं, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इन्फेंट टीथ, और यही तो आपकी डेसीडुअस टीथ है। ये टूटने के बाद फिर दोबारा आती है, तो ये तो सेम रहेगा ही, इस तरह से सेम रहेगा ही, बट इसके साथ आपका प्लस टू आ जाएगा, इसके साथ प्लस वन हो जाएगा। तो आपकी कितनी टीथ हुई? 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 अगर किया, इंटू टू किया, तो दैट विल बिकम नथिंग बट 20। सो 20 ऑफ दीज आर डाइफायोडॉन। बाकी आपका जो ऑल प्रीमोलर्स जो है वो जिंदगी में एक ही बार आ रहा है, एडल्ट वाले में, है ना? ऑल प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर जो है वो एक ही बार आता है, और ये क्या होता है, दीज आर योर मोनोफायोडॉन, क्योंकि ये जिंदगी में एक ही बार आया है ना, ये डिसीडुअस नहीं है। तो याद रखिए ये चीज,
कितने हो जाएंगे, कितने मोलार्स आते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट प्री मोलार्स प्लस कितने मोलार्स, थर्ड मोलर कितना है 1 2 3 4 है ना, प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो 12 टीथ आपकी मोनोफायोडोंट होती है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सिमरन, अनुषा, शशांक, अंशिका, तनुषा, आलोक, कुणाल, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं, 16th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में क्या होती है, आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था इसका हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू गेट व्हाट, टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स, है ना। तो ये कब करते हैं, इसके लिए भी हीटेड, हमें बस हीट की जरूरत होती है ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, बहुत वीक बॉन्ड है जल्दी टूट जाता है ना, तो इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही जवाब है आपके पास, है ना। एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद डीनेचुरेशन के बाद क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं ना, प्राइमर, मैंने पीसीआर कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था ऐप में, तो उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका। फिर करते हैं हम एक्सटेंशन, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है, 72 हो जाता है, 55 से फिर वो 72 करते हैं एक्सटेंशन में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा ने, सिमरन, समरीन, अनुषा, शशांक, आलोक, परफेक्ट, तो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक स्क्रीन पे आ गया है, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड देन आंसर इट। हेलो मिली, हेलो, नाइस टू सी यू ऑल हियर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमन, थेकोडॉन, बिल्कुल, आर टूथ इज एम्बेडेड इन अ बोनी सॉकेट ऑफ एल्वियोलर बोन प्रेजेंट इनसाइड योर गम, राइट, डाइफायोडॉन, हाँ जी, दो सेट ऑफ टीथ आती है, एक आपकी डेसीडुअस टीथ या मिल्क टीथ, फिर दोबारा परमानेंट टीथ, हेटरोडॉन, बिल्कुल सही, अलग अलग तरह के टीथ है हमारे पास, सारे इंसाइजर या सारे प्रीमोलार्स नहीं, वी हैव इंसाइजर, वी हैव कनाइन, वी हैव प्रीमोलार्स एंड वी हैव मोलार्स, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने, शशांक ने सही जवाब दिया है, समरीन, प्रणव, सबा, आलोक, अंशिका, करेक्ट, यस, समरीन एंड सिमरन एंड तनुषा एंड अनुषा, सबने सही जवाब दिया है, चलो बहुत बढ़िया। 18th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे हो जाती हूँ, मेरे पीछे आ रहा होगा ये क्वेश्चन, है ना, तो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, बोला है आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, फिलीफॉर्म पैपिले आर द स्मॉलेस्ट, येस राइट, मोस्ट अबंडेंट, येस राइट, एंड दे डू नॉट हैव टेस्ट बड्स, एब्सोल्युटली राइट, फिलीफॉर्म ही एक ऐसा पैपिले है जिसमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता है। Lymphoid tissue of pharynx is called tonsils and the term Waldeyer's ring is associated with it. बिल्कुल सही है, आपके पास कितने tonsils होते हैं, you have 6 tonsils present in your buccal cavity or in your pharynx region. बिल्कुल सही जवाब है। The correct sequence of parts of a ruminant compound stomach, याद रखिए ये आपके पूछा जा सकता है ये, क्योंकि एम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में भी कुछ साल पहले पूछा था आपके रूमिनेंट का जो स्टमक है, तो सबसे पहले रूमिन आता है, देन देयर इज रेटिक्यूलम, ओमैसम एंड एबोमैसम, दीज आर द 4 स्टमक पार्ट, है ना, इसमें से इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि याद रखिए एम्स मर्ज हो गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले उनका रूमिन, देन रेटिक्यूलम, ओमैसम एंड एबोमैसम, आउट ऑफ विच रूमिन जो है वो सबसे बड़ा चेम्बर होता है, वहां पे फूड स्टोर होता है। फिर क्यों रूमिन में फूड स्टोर होता है पता है वो क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा ना गाय क्या करती है, वो दोबारा रीअर्जिटेट करती है, यूजुअली तो घास खाती रहती है कंटिन्यूअसली भुक्कड़ की तरह खाएगी, फिर वो क्या करती है, वॉमिट आउट करती है, उसको रीअर्जिटेशन बोलते हैं। रीअर्जिटेशन के बाद वो रूमिन से, वो टेम्पररी स्टोर था वहां पे वो फूड, क्योंकि उसने चबाया तो नहीं, उसने बस तोड़ा निकला, वो वापस आता है, फिर वो क्या करते हैं उसको, आपने देखा होगा ना, वो फिर से उसको चू करती है, बार 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 चू करती है, फिर वापस वो निकल लेती है। ठीक है, राइट, सो ये भी सही है। ऑर्बैक्स प्लेक्सस कंट्रोल्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कनाल एंड इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ये गलत हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपकी ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो है वो आपका प्रेजेंट है मस्क्यूलरिस लेयर में, ठीक आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में होती है ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ठीक है, तो ये हो गया गलत, आपको रॉन्ग पूछा गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया है डी ऑप्शन, जिन्होंने भी बोला है आई थिंक शशांक, तनुषा, अनुषा, अंशिका, आलोक, हाँ बिल्कुल, देखो यूजुअली हम ह्यूमन भी भुक्कड़ी, हम सभी भुक्कड़ हैं दुनिया में खाने के लिए तो आए हैं, और क्या है ना,
चलो 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, है ना. सीसीके आपका क्या होता है? सीसीके इज कोलेसिस्टोकाइन, इट स्टिम्युलेट्स पैनक्रियास टू रिलीज एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस. बिल्कुल सही. सीसीके का दो काम होता है, क्योंकि सीसीके को पहले हम लोग कोलेसिस्टोकाइन इन पैनक्रियोजाइमिन भी बोलते थे. तो वो आपकी कोलेसिस्टो का मतलब क्या है? गॉल ब्लैडर. वो गॉल ब्लैडर को भी स्टिम्युलेट करता था और आपके पैनक्रियास को भी स्टिम्युलेट करता था. तो ये तो सही है, नथिंग इज रॉन्ग अबाउट दिस. एंटरोक्राइनिन स्टिम्युलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस. नहीं, आपकी जो एंटरोक्राइनिन है वो रोकेगी. देखो एंटरोक्राइनिन जब भी आ गया ये आपकी इंटेस्टाइन में है, है ना. तो इंटेस्टाइन के पास उतने म्यूकस लेयर नहीं है, और अगर ये हार्मोन गैस्ट्रिक को बोला कि तुम जल्दी से अपने सारे रिलीज करो, HCL भी तो रिलीज होगा. वो HCL आएगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो खा जाएगी इंटेस्टाइनल के वॉल को, इरोड कर देगी. वो हम नहीं चाहते हैं. तो एंटरोक्राइन वो रोक देती है कि नहीं, और एसिडिटी नहीं चाहिए हमें इंटेस्टाइन में, हमारे पास उतना प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है. राइट, सो रॉन्ग पूछा था तो मिल गया आपके पास रॉन्ग. सोमैटोस्टैटिन कौन रिलीज करता है? डेल्टा सेल्स रिलीज करता है आपकी, जो आपके पैनक्रियास में होता है. ये डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन रिलीज किया, वो किसको इनहिबिट करता है? आपकी ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के रिलीज को रोकता है, ठीक है. एंटरोगैस्ट्रॉन जो है वो भी इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेकेंड वाला गलत है. यस, बी इज रॉन्ग. सिमरन, शशांक, तनुषा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, परफेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 28th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Which of the following statement is wrong? इसमें से कौन सा statement wrong है? Partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood is 14. नहीं, deoxygenated blood का मतलब क्या? जहाँ पे oxygen का concentration कम है, carbon dioxide का ज़्यादा है. तो आपकी कितनी होना चाहिए यहाँ पे? 45 mmHg होती है आपकी deoxygenated blood में, right? तभी तो deoxygenated blood से वो alveoli में आती है. Alveoli में कितना है? Alveoli में 40 mmHg है. हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हुई. फिर एल्वियोलाई से वो कहाँ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड? अंदर फिर से ले लोगे या बाहर छोड़ दोगे? बाहर एक्सहेल आउट करोगे. तो एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3 mmHg. फिर से हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर मूवमेंट हो गई. तो रॉन्ग पूछा था, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग हो गया, ठीक है. बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, परफेक्ट. आलोक, सबा, अनुषा, शशांक, सिम, तनुषा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ए बोला है, एब्सोल्युटली राइट. Now, 21st वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. नो प्रॉब्लम शशांक, इट्स ओके. मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो 7% तो आपकी प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है ना. 23% आपकी कार्बामिन और हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है, और 70% कितने फॉर्म में जाती है? आपके बाइकार्बोनेट आयंस. तो हो गया बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही जवाब है आपकी 21 की सी, है ना. बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, इसके थ्रू ही मूव होता है आपका, ठीक है, परफेक्ट. यस, 21 का 3 आंसर होगा. अनुषा, अंशिका, शशांक, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर 21. सिमरन, सबा, आपने भी सही जवाब दिया, समरीन ने भी. चलो 22nd इज ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर 22nd का. Which of the following is pollution related disorder? अब ये नहीं बोला है कि pollution हो कहाँ रहा है. जरूरी नहीं है कि हर pollution will lead to your lung disorder only. Hint दिया मैंने, ठीक है. हर pollution related lung, what pollution तो आपका air के अलावा और कोई pollution नहीं होता है क्या दुनिया में? हम लोग इंसान हैं, हम तो हर चीज़ों को pollute करते रहते हैं. हमने water को भी pollute कर रखा है, है ना. हमने सबको, सब चीज़ों को पोल्यूट करके रखा है. तो मैं सिर्फ आपके लंग डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ. अब देखो यहाँ पे SARS जो है, आप सबको पता है कोरोना वायरस कॉज करता है SARS, है ना. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज कॉज बाय अ टाइप ऑफ कोरोना वायरस. द वन दैट इज गोइंग ऑन इज COVID-19, विच इज ऑल्सो कॉज बाय अ COVID-19 स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, राइट. COVID-19 तो सबको पता ही है, तभी हम यहाँ पे हैं, राइट. निमोनिया भी आपकी कोई पोल्यूशन रिलेटेड तो नहीं है, है ना. वी ऑल नो दैट. तो फ्लोरोसिस जो है, फ्लोरोसिस किसकी वजह से होती है? अगर वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है. यूजुअली ये छोटे बच्चों में होती है. तो अगर छोटे बच्चों में जहाँ वाटर पोल्यूटेड है विथ लॉट्स ऑफ फ्लोराइड इन इट, फ्लोरीन इन इट, वो वाटर को अगर पिए तो उनके दांत में प्रॉब्लम होता है. दांत की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है. उनकी ऑसिफिकेशन, जिस टाइम पे उनकी जो डाइफाइडोन टीथ है ना, मिल्क टीथ को टूट के नया आना होता है, वो ठीक से नहीं आता है. और बहुत ही थिन टाइप ऑफ टूथ आती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टूथ आती है. तो च्यूइंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है. तो इट इज ड्यू टू योर वाटर पोल्यूशन,
ठीक है, आपने सी आंसर दिया है, समरीन, अंशिका, आलोक, शशांक, सबा, बिल्कुल सही जवाब दिया, अनुषा, सिमरन, तनुषा, परफेक्ट। 23rd इज ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वाइटल कैपेसिटी, इसमें से कौन सी आपकी वाइटल कैपेसिटी है? तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है आपका, ERB आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस TV आता है, टाइडल वॉल्यूम, प्लस योर IRV आता है। तो आपको कहीं पे दिख रहा है ये ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है, तो 23rd का आपको यहाँ सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, यस, एंड बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। ये तो हमने पढ़ चुके हैं, हम ये सारी चीज़ें एक बार मैं बता देती हूँ, अगर आपको डाउट है तो देखो, आपने अभी नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है ना, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो ये 500 ml आपने इंस्पायर किया है नॉर्मली, 500 ml आपने एक्सपायर किया है नॉर्मली, इंस्पायर किया 500 ml, नॉर्मली एक्सपायर किया है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट योर टाइडल वॉल्यूम, ये आपकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। अब अचानक से आपके बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है ऑक्सीजन का और CO2 का ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे, फोर्सफुल इनहेलेशन। तो ये हुआ फोर्सफुल इनहेलेशन, कितना एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, ये जो पूरा एक्स्ट्रा आपने लिया, दैट इज योर IRV, ऑलमोस्ट अराउंड 2500 to 3000, ठीक है। अब आपने इसको सपोज नॉर्मली ब्रीद आउट करने के बजाय आपने फोर्सफुल ब्रीद आउट किया है, तो फोर्सफुल ब्रीद आउट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन देखो कितना क्या है, बहुत कम हुआ है ना, ये डिस्टेंस कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, तो आपने 3000 एक्स्ट्रा ब्रीद इन किया था, बट आपने ब्रीद आउट किया है सिर्फ 1000 to 1100 ml, नॉट मोर देन दैट, तो थोड़ा बहुत एयर बच गया ना नीचे, तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 1200 to 1300 ml। अब देखो ये तो सारे वॉल्यूम हो गए, कैपेसिटीज क्या होती है, कैपेसिटी वो होती है जब हम किसी दो या मोर देन टू वॉल्यूम्स को जोड़ रहे हैं, तो आपकी IRV प्लस TV क्या हो जाती है, IRC हो जाती है, अगर इसके साथ आपने ERV को भी जोड़ लिया तो आपकी वाइटल कैपेसिटी हो जाती है, अगर आपने सब को जोड़ दिया, रेसिडुअल वॉल्यूम को भी आपने जोड़ लिया, तो ये आपकी टोटल लंग की कैपेसिटी है, इतना वो होल्ड कर सकता है एयर, ठीक है। यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सिमरन, शशांक, अंशिका, समरीन, तनुषा, वाहिदा, आलोक, सबा, परफेक्ट। 24th इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, इन एन ECG डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई वॉट, क्या रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, QRS वेव रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, सिस्टोल ऑफ योर वेंट्रिकल, तो QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो तीनों के तीनों वेव आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत ईजी सा है ये तो, है ना, तो बी बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा ने, परफेक्ट, यस दिस इज द राइट आंसर हियर, एंड समरीन ने भी सही जवाब दिया है, ओके, देन गुड बॉय तनुषा, देन अनुषा, समरीन, सबा, अंशिका, सिमरन एंड शशांक, परफेक्ट। चलो 25th क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। इन द बॉडी ऑफ एन एथलीट, एक एथलीट के बॉडी में कार्डियक आउटपुट इज अराउंड 9000 ml, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज अराउंड हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो कार्डियक आउटपुट तो दे दिया है उन्होंने 9000 ml, एंड इज हार्ट रेट जो हार्ट बीट है दैट इज अराउंड 90 per minute, तो SV कितना है, आपको SV ढूंढना है, तो ऑब्वियसली 9000 by 90 कर लो, कितना हुआ 100 A, ठीक है, सो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है दैट वुड बी नथिंग बट 100 ml per minute फिट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने। लेट्स सी 25 का, आलोक ने सही जवाब दिया है, सबा ने दिया है, गुड बॉय अनुषा, शशांक, तनुषा, सिमरन, ओके परफेक्ट, ए आंसर दिया है समरीन, ओके राइट। 26th इज ऑन द स्क्रीन हियर, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। इफ अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद एसिटिल कोलीन, इज रेट ऑफ हार्ट बीट विल व्हाट, क्या होगा, एसिटिल कोलीन अगर इंजेक्ट किया क्या वो बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और रिमेन द सेम, क्या होना चाहिए आंसर। एसिटिल कोलीन का इंजेक्शन तभी दिया जाता है जब हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है, टैकीकार्डिया चल रहा है, टैकीकार्डिया आई होप यू नो, मोर देन एवरेज हार्ट बीट रेट अगर हुआ, मोर देन अगर 100 beats per minute वो कर रहा है, 80 से ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल पर्सन में, एथलीट में तो होता ही है, उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए एसिटिल कोलीन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ब्रिंगिंग इट बैक टू नॉर्मल, तभी तो एसिटिल कोलीन दे रहे हैं, अगर सेम ही है तो हम क्यों देंगे, टैकीकार्डिया को टैकीकार्डिया रख देगा,
राइट right? बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, 26 का बी बोला है आलोक ने, सिमरन ने, अंशिका ने, तनुषा, शशांक, एब्सोल्युटली राइट। नाउ 27 क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन गाइस। व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली द कंडीशन इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को, जब हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो अपने ब्लड को ठीक से पंप आउट नहीं कर रहा है, तो हार्ट अपने जॉब में फेल हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर, राइट। तो आपकी 27 की क्या होनी चाहिए, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। समरीन, अनुषा, अंशिका, सिमरन, शशांक, सबा, आलो, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। ओके परफेक्ट, हेलो राहिल, हेलो अभिषेक, नाइस टू सी यू ऑल हियर। 28 का सही आंसर दे दो जल्दी से। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे आपका यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन, मतलब यूरिया कौन कौन रिलीज कर रहा है। बर्ड्स तो आपका क्या करता है, यूरिक एसिड, इंसेक्ट भी यूरिक एसिड, तो ये तो होगा नहीं। मैमल्स क्या करता है, यूरिया करता है, बिल्कुल सही। एम्फीबियंस भी यूरिया करता है मोस्ट ऑफ देम, है ना, एक्सेप्ट आपके एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो ये दोनों करती है, ये आंसर हो सकता है। देखते बाकी क्यों नहीं है। कार्टिलेजिनस फिशेस तो यूरिया करती है, लेकिन बोनी फिशेस क्या कर रही है, वो दे आर अमोनोटेलिक, अमोनिया को रिलीज करती है। रेप्टाइल्स में आपके कुछ रेप्टाइल्स आपके अमोनोटेलिक है, कुछ यूरियोटेलिक है, कुछ यूरिकोटेलिक है, आपको तीनों मिलेंगे, लेकिन इंसेक्ट तो कंपल्सरीली यूरिकोटेलिक है ना, तो ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया है कमल ने, शशांक ने, अंशिका ने, सबा, आलोक, सिमरन, तनुषा, तनुषा, परफेक्ट। 29th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। व्हिच टू वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय यूरिया साइकिल, इसमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हम यूरिया साइकिल से रिमूव करते हैं। याद रखिए कि हमारे बॉडी में यूरिया ही नहीं बना था सबसे पहले, नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारे में क्या बनता है, ये NH4 प्लस CO2 के साथ मिक्स होता है, ये भी आपकी एक्सक्रीशन करना है ना, वी कांट कीप टू मच अमाउंट ऑफ CO2 इन आवर ब्लड, है ना, ज्यादा हमें नहीं रखना है अपने बॉडी में CO2, हम उसे निकालना चाहते हैं, तो ये दोनों कंबाइन होके आपकी कुछ कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है, वो आपकी यूरिया साइकिल में एंटर होता है, और फाइनली आपको यूरिया साइकिल से क्या मिलता है, यूरिया बाई प्रोडक्ट मिलता है, ये निकल जाता है। तो आपने अल्टीमेटली किसको रिमूव किया है, इसको और इसको किया है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यूरिया साइकिल से किस चीज को रिमूव किया जाता है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, आलोक, शशांक, अनुषा, अंशिका, सिमरन, तनुषा, परफेक्ट। ओके सॉरी, सिमरन का गलत हो गया था, कोई बात नहीं, समरीन ने भी सही आंसर दिया। नाउ 30th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, जब आपकी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी GFR रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो जैसे ये डिक्रीज होगा आपका क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है, रेनिन हो जाता है। ये रेनिन किस किस को रिलीज करवाता है, एक तो ADH को रिलीज करवाता है ना, और दूसरा आपके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, तो ये सारी चीजें तो हो रही है रिलीज, रेनिन भी हो रही है, ADH भी हो रही है, एल्डोस्टेरोन भी हो रही है, बट ANF हो रहा है क्या, ANF क्या है आपकी एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर, ये कौन रिलीज करता है आपकी एट्रियम की जो वॉल है, नैट्रियूरेटिक फैक्टर, और इसका काम क्या है, इट एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर, है ना, इट इज अ वैसोडाइलेटर, इसी के वजह से तो ब्लड प्रेशर लो हुई है, इसने लो किया है डायलेट करके, बाकी कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। यस यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, कमल, देन समरीन, तनुषा, अंशिका, सबा, समरीन, आलोक, शशांक, सिमरन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो 31st क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस गेट्स अटैच्ड टू व्हाट, कैल्शियम आयंस किससे अटैच्ड होता है, मैंने आपको बोला था कि जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है इट्स अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, उसकी तीन सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं TPI, TP, और दूसरे को बोलते हैं TPC, एंड द अदर वन इज नथिंग बट TPT, राइट। ट्रोपोनिन आई क्या करती है, वो आपकी एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है ना मायोसिन की, उसको ब्लॉक कर देती है। TPC क्या करेगी, कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी, मतलब ट्रोपोनिन कर रही है वो काम। TPT क्या करेगा, वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड होता है, राइट, परफेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। 31st इज गोइंग टू बी ए, समरीन, अंशिका, कमल, शशांक, सबा, नेचर, आलोक, सिमरन,
एब्सोल्युटली अनुषा तनुषा परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है. लेट्स सी हियर, टिटनी इज क्यू टू व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, देखते इसका सही जवाब आप दे पाते हो कि नहीं. टिटनी क्यों होता है, जब भी आपकी पैराथॉर्मोन जो हॉर्मोन है ना, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके रिलीज करती है, सो पैराथायरॉयड की डेफिशिएंसी जब हुई. पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है, ये आपके बोन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करा के ब्लड में लाता है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, राइट. और ब्लड कैल्शियम में, ब्लड में कैल्शियम होना जरूरी क्यों है, अभी तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू नीड कैल्शियम टू बाइंड विद ट्रोपोनिन, वरना ट्रोपोनिन हमेशा ब्लॉक करके रखेगा ना एक्टिन को, तो मायोसिन कभी जुड़ ही नहीं पाएगा उससे, उसे हटाना है, तो कैल्शियम इसलिए जरूरी है. तो जब कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल का, द पर्सन विल सफर फ्रॉम यू नो वीकनेस, वेस्टेज ऑफ मसल, कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकता क्योंकि मसल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो इट इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि पैराथॉर्मोन की डेफिशियंसी है, दैट कॉजेस यू टिटनी. ठीक है, यस यू गाइस आर नो हाइपोकैल्शियमिक, दैट इज नॉट हाइपर, दैट इज हाइपो, कम है ना, तो हाइपो होगा ना, हाइपोकैल्शियमिक, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने. अंशिका, कुणाल, सिम, सबा, आलोक, शशांक, समरीन, तनुषा, अनुषा, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है. 33rd इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. हिंज जॉइंट जो आपकी होती है, इसको हम हिंज जॉइंट भी बोलते हैं. हिंज जॉइंट कैसा होता है, आप दरवाजे को जो खोलते हो ना, वो दैट इज अ हिंज बोलते हैं उसको, हिंज जॉइंट. तो सिमिलरली ये जो आपने मूवमेंट किया, दिस इज अ हिंज जॉइंट. ठीक है, आपने ये जो मूवमेंट किया नोडिंग मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो अ हिंज जॉइंट. तो किसके बीच में हिंज जॉइंट होती है, या इस दोनों में से, तो ये आपकी ह्यूमेरस एंड रेडियो अल्ना के बीच में, रेडियो अल्ना ह्यूमेरस के बीच में है, हिंज जॉइंट है, राइट. सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सेम आपका कहाँ पे होता है, टिबिया, फिब्यूला एंड फीमर के बीच में, फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना. ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल में भी आपका बॉल एंड सॉकेट है ना. एसिटाब्यूलम एंड फीमर में भी वही है, आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, वही तो पेल्विक गर्डल, मतलब क्या एसिटाब्यूलम ही है. तो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर. कमल, अंशिका, शशांक, समरीन, सिमरन, सबा, तनुषा, आलो, बिल्कुल सही जवाब दिया अनुषा ने, परफेक्ट. 34th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. देखिए ये क्वेश्चन लिया गया है आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से, हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर. टी आई प्लास्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट. यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है. हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को क्या बोलते हैं, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर, वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट करती है डाइकॉटिलेजिनस प्लांट्स को, मोनोकॉटिलेजिनस को नहीं. इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर रिमूविंग डीएनए फ्रॉम जेल इल्यूशन ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. हाँ जी, तभी तो ट्रैक करते हैं ना, आप पहले इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे तब तो आपको डीएनए दिखेगा. डीएनए दिखता है क्या आंखों से, नहीं ना, तो आप बिना जाने कैसे उसको हटाओगे अगार से, नहीं कर सकते, आपको पहले उसको स्टेन करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूवी रेडिएशन के नीचे वो ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा, तो आपको देखा चाहिए डीएनए है, आप फिर उसको इल्यूशन करोगे, इल्यूशन मतलब रिमूव करोगे. तो ये भी सही है आंसर आपका. ठीक है, एग्रोस जेल यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिराइव फ्रॉम सीवीड. यस अगर अगर है ना, द स्टर टैंक बायोरिएक्टर कैन नॉट इवनली मिक्स और डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन. ये तो बिल्कुल गलत हो गया. स्टर टैंक हम तभी तो यूज करते हैं क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को, स्टर टैंक कंटिन्यूअसली स्टर होता रहता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है वो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. यही क्वेश्चन पूछा था, वो हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को प्रॉपरली मिक्स होने के लिए. यस बिल्कुल सही जवाब दिया शशांक ने, तनुषा ने, आलोक ने, अंशिका ने, समरीन ने, बिल्कुल सही जवाब है. चलो 35th आ चुका है अभी आपके स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फिर से इनकरेक्ट आपको ढूंढना है. अ न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस दैन टू पोटेशियम आयंस, तो बिल्कुल गलत हो गया. हम सबको पता है कि अगर आपने एक्सोप्लाज्म, ये सपोज एक्सोप्लाज्म है ना, आपके न्यूरॉन की अंदर वाली पार्ट जो साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या होता है आपका 2K+ आयंस अंदर आता रहता है और 3K+ आयन Na+ आयन आपका बाहर जाता है. तो इसमें K+ ज्यादा आया तभी इट इज मोर परमिएबल टू K+, Na+ से वो परमिएबिलिटी नहीं है उसकी ज्यादा, रेस्टिंग स्टेट पर. और आपकी कुछ लीकी चैनल्स भी होती है ना, ये तो Na+ K+ पंप कर रहा है, दिस इज डन बाय Na+ K+ पंप. कुछ लीकी चैनल्स होती है जो आपके बहुत सारे K+ को अंदर डालती है, और आपके Na+ की भी लीकी चैनल होती है लेकिन वो बहुत ही कम, 1-2 Na+ को अंदर डालती है. तो इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, नॉट मोर परमिएबल टू सोडियम.
तो पहला वाला ही गलत हो गया। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया है तनुषा, कमल, सबा, आलोक, अनुषा, शशांक, सिमरन, सिमरन। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ओके, बाकी तो सही है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, यस इट डज। थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी वही मेंटेन करता है ना। वेगस इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। क्यों लॉन्गेस्ट बोलते हैं? वेगस एक ऐसा नर्व है, क्रेनियल नर्व है, हालांकि उसको कहाँ होना चाहिए, नाम क्या उसका, क्रेनियल, तो क्रेनियम में होना चाहिए। वो क्रेनियम को छोड़ के बाकी एरिया में वो इनोवेट कर रहा है। टंग तो चलो आपके स्कल में ही है, वो पार्ट में, उसको टंग के अलावा हार्ट को कर रही है वो इनोवेट, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इनोवेट कर रही है, राइट। ऑब्वियसली इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं। क्रेनियम से लेक स्टार्ट हुआ है और पूरा एंड तक गया है वो, राइट। तो यस, दिस इज राइट। पेसिनियन कॉर्पस इज लोकेटेड इन डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, आर सेंसिटिव टू प्रेशर। बिल्कुल सही जवाब है। आप जो ये प्रेशर, आपको कैसे फील होता है कि कितना प्रेशर दिया जा रहा है, आपके स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे रूफिनीज रिसेप्टर, क्राउज रिसेप्टर, है ना, मीजनर्स कॉर्पसेस। तो आपकी जो क्राउज होती है ना, वो आपकी कोल्ड को डिटेक्ट करती है, और ये क्राउज रिसेप्टर आपके नोज में, आपके फिंगर्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट। अभी तो ठंडी के वक्त आप देखते हैं आपके नाक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है पूरे बॉडी से, आपके फिंगर्स बहुत जम जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे क्राउज रिसेप्टर ज़्यादा है, वो जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कोल्ड को, है ना। और आपकी जो ये पेसिनियन है वो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेशर को डिटेक्ट करेगी, तभी तो प्रेशर को डिटेक्ट कर रही है। बाकी जो होते हैं मर्कल डिस्क है, वो पेन रिसेप्टर, तो ऊपर भी टच हुआ आपका थोड़ा सा कट जाता है तो भी दर्द होता है, है ना, उस पेन रिसेप्टर की वजह से, या टच रिसेप्टर्स भी है आपके बॉडी स्किन में। तो हाँ, ये सारे राइट है, सिर्फ ए गलत होगा। हाँ जी, तनुषा, कमल, सबा, आलोक, अनुषा ने सही जवाब दिया, शशांक ने भी सही जवाब दिया, सिमरन ने भी सही जवाब दिया, परफेक्ट। 36 इज योर क्वेश्चन नाउ। एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय व्हाट? एक्रोमेगाली क्यों होता है? एक्रोमेगाली इज ड्यू टू नथिंग बट ओवर सिक्रीशन ऑफ योर ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज, प्यूबर्टी के बाद अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? एक्सेस ऑफ सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम ही आपका सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ही है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, राइट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनुषा ने सही जवाब दिया है, परफेक्ट, 36 का बिल्कुल सही। चलो, अंशिका ने भी सही जवाब दिया है, समरीन, आलोक, तनुषा, शशांक, ऋतिक। चलो, 37th इज ऑन द स्क्रीन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड? इसमें से कौन सा हैप्लॉइड है आपका, मतलब एन है जिसकी प्लॉइडी। जर्मिनल एपिथेलियल सेल नहीं है, तो आपकी बाद में बनाएगी ना मियोसिस कंप्लीट करने के बाद, तो तब वो जाके एन बनेगी। उसके अलावा और क्या है? स्पर्म मदर सेल, दैट इज योर स्पर्मेटोगोनिया, वो भी 2N होता है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2N है, क्योंकि आपकी जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस करके ये बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्म, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गई आपकी हैप्लॉइड। 37 की डी बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऋतिक, सबा, समरीन, कमल, सिमरन, शशांक, अंशिका, आलोक, तनुषा, अनुषा, अंशिका, परफेक्ट। चलो, 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। स्टेज आफ्टर फर्मेंटेशन, या आपकी बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 से ली हुई है प्रिंसिपल, आपकी जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। स्टेज आफ्टर फर्मेंटेशन व्हेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज रिकवर्ड एंड प्यूरिफाइड, क्या होता है आपका लास्ट प्रोसेस? क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें आप प्यूरिफिकेशन करते हो, जो भी सैंपल आपने क्रिएट किया है रिकवर करते हो, और उसको मार्केट में फिर बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अंशिका, सबा, अनुषा बिल्कुल सही जवाब दिया आप सब लोगों ने, समरीन, सिमरन, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम? डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल कौन है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए? इसमें में जीए नॉलेज तो आपका इनडायरेक्ट है ना, TSH तो करता नहीं, उसको तो थायराइड को करेगा, LH का भी कोई लेना देना नहीं, वो कॉर्पस ल्यूटियम को करेगा, तो आपकी प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन करती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, तो आपको प्रोजेस्टेरोन ही क्लिक करना है। और एक बात याद रखिए कि ये मेंटेन करता है आपकी थिकनिंग को, ये मेंटेन्स दी एंडोमेट्रियल थिकनिंग, कैसे? एंजियोजेनेसिस शो करके, एंडोमेट्रियल थिकनिंग को वो मेंटेन करती है बाय शोइंग एंजियोजेनेसिस, मतलब ब्लड वेसल फॉर्मेशन। अगर ब्लड वेसल ही नहीं फॉर्म हुआ तो ब्लड मिलेगा ही नहीं ऊपर वाले लेयर को, एक एक करके जो बढ़ रहा है आपका एंडोमेट्रियम, तो ऊपर की लेयर शेड ऑफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया है कमल, समरीन, अंशिका, ओके। तो ईस्ट्रोजन क्लिक करना है अंशिका,
है ना, अगर थिकनिंग को कौन कर रहा है बोला तो इस्ट्रोजन क्लिक करने का, अगर मेंटेन करने के लिए पूछा है तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलो 48th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। 48th का, कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर आयोडीज, क्या करता है ये? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है? नहीं, वो तो कोई हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है ना, कॉपर रिलीजिंग है वो, क्या करता है आपकी? सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, तो स्पर्म की मूवमेंट को वो रोक देता है, कौन? कॉपर आयंस, ये जो रिलीज करता है ये आपके कॉपर आयोडीज ये होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया है ऋतिक ने, आलोक ने, अंशिका ने, सॉरी तनुषा ने, अनुषा, अंश, कमल, सबा, समरीन, शशांक, अंशिका, परफेक्ट, बिल्कुल सही। जस्ट अ सेकेंड, चलो 41 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। इन मिलर न्यूरिस एक्सपेरिमेंट आपकी CH4 कितना था? 2, NH3 कितना था? 1, एंड H2 कितना था? 2. This was the formula that he used. This was the concentration ratio, concentration जो उसने use किया था. तो क्या हो गया? 2:1:2 would be the right answer, right? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया है समरीन ने, अंतनुषा ने, आलोक, सबा, शशांक, बिल्कुल सही जवाब दिया, perfect. Now 42nd question आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, in which epoch? Epoch कब आता है? We all know, सबसे पहले eon. Eons are divided into nothing but eras. Eras are divided into periods and periods are finally divided into nothing but your epochs. तो कौन से epoch में आपकी modern horse first appeared? Modern horse कब appear किया था? प्लिस्टोसीन में किया था सबसे पहले आपका मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका ऑब्वियसली आपका पहले वो आया इओसीन में, आया इओसीन के बाद आपका क्या आता है? ऑब्वियसली ओलिगोसीन आता है, राइट, देन मायोसीन आता है, तो उसके बाद प्लियोसिन के बाद प्लिस्टोसिन आ जाएगा, तो प्लिस्टोसिन में आपका मॉडर्न हॉर्स पहले आया था, दैट इज इकस, इकस इज द मॉडर्न हॉर्स, है ना, वो फिर आपकी बाद में उसकी मॉडिफिकेशन हुई है। यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट, सबा, ऋतिक, अंशिका, शशांक, तनुषा, कमल, सिमरन, अंशिका, ऋतिक, समरीन, परफेक्ट। ओके, 43rd क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एज ऑफ फिशेस? वी ऑल नो कि आपकी जो एज ऑफ फिशेस है दैट इज डिवोनियन, कार्बोनिफेरस क्या होता है? दैट इज द एज ऑफ एम्फीबिया, है ना, एज ऑफ एम्फीबिया, और डिवोनियन क्या है? इट इज द एज ऑफ फिशेस, जैसे कि मैंने आपको बोला एज ऑफ फिशेस। ठीक है, इसके पहले आपकी इनवर्टिब्रेट की एज थी, है ना, चलो परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया है अनुषा ने, सबा ने, तनुषा, ऋतिक, अंशिका, शशांक, कमल, परफेक्ट, ऋतिक, आलोक, बिल्कुल सही। चलो 44th इज ऑन योर स्क्रीन, ये भी इवोल्यूशन चैप्टर से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? इसमें से कौन सी आपकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जब अनरिलेटेड एनिमल्स, बहुत अलग अलग अनरिलेटेड एनिमल्स है बट ये कुछ कॉमन फीचर्स शो कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि लाइक दे हैड डिफरेंट एंसेस्ट्री लेकिन दे शो सर्टन सिमिलर फंक्शन, हालांकि उनकी ओरिजिन अलग है। फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपका? जैसे लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस। लीमर क्या है? लीमर इज योर नथिंग बट इट्स अ प्लासेंटल मैमल, ये आपकी प्लासेंटल मैमल में आता है, कैटेगरी में आता है। और स्पॉटेड कस्कस किस में आता है? इट बिलोंग्स टू योर मार्सुपियल मैमल, है ना, ये मार्सुपियल मैमल क्या है? दोनों की एंसेस्ट्री अलग है, है ना, दोनों अलग अलग तरह के मैमल्स है, ऑब्वियसली इनके स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर्स भी अलग है बट ये कुछ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। दोनों ही आर्बोरियल है, दे आर बोथ आर्बोरियल, मतलब ट्री ड्वेलर्स है, तो ये शो कर रहा है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो मोल एंड एंटीटर का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही प्लेसेंटल है, राइट, और आपकी मार्सुपियल मोल एंड नोमबैट दोनों ही मार्सुपियल है, तो दोनों तो सेम को ही बिलोंग कर रही है। यस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है ऋतिक, शशांक, तनुषा, समरीन, सबा, कमल, अनुषा, बिल्कुल सही। 45th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। चलो रिकॉम्बीवैक्स इज अ रॉन्ग आंसर आपको ढूंढना है। रिकॉम्बीवैक्स है डीएनए वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल सही है, दिस इज रिसेंटली बीन डेवलप्ड, है ना, अभी भी यूज पे नहीं है वो। सब यूनिट रिसर्च चल रही है, सब यूनिट वैक्सीन आर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, यस ये भी आपका सही है, आपको रॉन्ग पूछा गया है। पोलियो वैक्सीन यूज नाउअडेज इन इंडिया इज एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन, है ना, आपकी जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो यूज करता है दैट इज एन एटेन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन, साफ वैक्सीन, है ना। MMR वैक्सीन इज अ किल्ड वैक्सीन, बिल्कुल नहीं, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला,
ये किस तरह की वैक्सीन होती है? इट्स अ नथिंग बट इट्स एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब वीकेंड जर्म होती है. इट्स एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन, नॉट किल्ड वैक्सीन. तो ये गलत हो गया. सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आपने ऑलरेडी सही जवाब दे दिया है मुझे. ऋतिक ने, तनुषा ने, कमल, अनुषा, शशांक, तनुषा, समरीन, सबा, कमल, परफेक्ट, अनुषा ने भी. 46th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन गाइस. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछा है. IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर. यस इट कैन. IgG सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, इसीलिए वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है. IgA कैन बी सीन इन कोलोस्ट्रम. ये भी सही है. IgA आपके बॉडी के फ्लूइड्स में मिलती है, आपके सलाइवा में भी IgA है, और मदर के मिल्क से तो फर्स्ट जो 2 to 3 days निकलता है, दैट इज कोलोस्ट्रम, उसमें भी IgA होती है. IgE इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सीक्रेटेड इन केस ऑफ इन्फेक्शन. इज दिस राइट? क्या ये सबसे पहले निकलता है? नहीं, IgA मैन IgG होता है, राइट? तो ये गलत हो गया आपका. ऑब्वियसली 46 का सी गलत हो गया, है ना. इन्फेक्शन में नहीं, वो कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो वो हो सकता है, कोई नेमाटोडल रिएक्शन हुआ तो हो सकता है, नॉट ड्यूरिंग इन्फेक्शन. यस, सी इज द राइट आंसर. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. कमल, सबा, समरीन, अनुषा, तनुषा, अंशिका, ऋतिक, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है. सिमरन ने भी, एंड हाँ बिल्कुल सही. चलो 47th इज ऑन द राइट ऑन योर स्क्रीन नाउ. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर 47. HIV एंटर्स इनटू, HIV किसके अंदर एंटर करती है और उसको उसमें रेप्लिकेट करती है? वी ऑल नो मैक्रोफेज में तो कर ही रही है, क्योंकि मैक्रोफेज में भी CD4 रिसेप्टर होता है. उसके अलावा और किस में होता है? आपके टी लिम्फो हेल्पर सेल्स में होती है. TH सेल्स में भी आपकी CD4 रिसेप्टर होती है. जिनके भी पास ये CD4 रिसेप्टर है आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर, उसी को ही HIV इन्फेक्ट करेगी. तो मैक्रोफेज को भी कर रही है, टी हेल्पर सेल्स को भी वो करती है. बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने. एंड आई थिंक समरीन ने सही जवाब दिया है, अंशिका ने सही जवाब दिया है, कमल, तनुषा, ऋतिक, नो प्रॉब्लम शशांक, इट्स ओके, देन सिमरन, अनुषा, परफेक्ट, राइट. सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. चलो 48th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. अंगूरा वुल इज ऑप्टन फ्रॉम, या के एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है, ये फिर पूछा जा सकता है. वी ऑल नो अंगूरा इज ऑप्टन फ्रॉम नथिंग बट रैबिट. वो आपके रैबिट, एक तरह का रैबिट होता है जिसका बहुत फरी होता है, उससे वो वुल ऑप्टेन किया जाता है, राइट. ओके, लेट मी सी सही आंसर किन्होंने दिया है क्विकली. लेट सी दैट. सिमरन का एक आंसर आया, बट बेटा वो गलत हो गया. आई थिंक नहीं, ए होता है, शीप से नहीं मिलता अंगूरा वुल, ठीक है, याद रखिए. अच्छा, एक और चीज याद रखिए, जो पश्मीना है ना, ये भी शीप से नहीं मिलता है. पश्मीना भी किससे मिलता है? गोट से, कश्मीरी गोट, ठीक है. तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस. यस, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऋतिक, अंशिका ने ही अभी तक तो सही जवाब दिया है, परफेक्ट. एलाइजा ने भी सही जवाब दिया है. चलो 49th क्वेश्चन स्क्रीन पे है. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. योर रिकॉग्निशन सीक्वेंस AAGCTT बिलोंग्स टू विच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. तो याद रखिए, एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, दिस वॉज द वन जो आपके सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस आपका रिस्ट्रिक्शन हुआ था ना, डिस्कवर बाय आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, उसी का ही एक स्ट्रेन है. तो यू ऑल नो HIND2, HIND2, HIND2 भी बोल सकते हैं हम उसको, वो सबसे पहले आपका डिस्कवर किया गया था. तो HIND3 का ये रिकॉग्निशन साइट है. देखिए, एम्स में ये क्वेश्चन पूछा था, हालांकि हम सब याद नहीं रखते, हम सिर्फ ECOR1 का याद रखते हैं, राइट, GATTC, बट इसके ऐसे भी पूछा गया था, मतलब पूछ सकते हैं क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन आपके मर्ज हो चुके हैं, है ना. तनुषा ने सही जवाब दिया है, सी बोला है, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट. चलो लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है. लेट सी व्हाट वुड बी द रॉन्ग ऑप्शन आपको पूछा गया है, ठीक है, कौन सा गलत है. ट्रांसजेनिक माइस इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल, बिल्कुल सही. माउस को हम ज्यादा मॉडल एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ाई करते हैं, ज्यादा उस पर रिसर्च होता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली माइस और ह्यूमन का जीनोम थोड़ा बहुत मैच करता है, एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म उसे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, 5' to 3' इस तरीके, और आपका जो दोनों सीक्वेंस याद दिया हुआ है, इट्स अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर REBAM H1. यस, दिस आल्सो राइट. RE मींस नथिंग बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी सही है आपका. नाउ रोजी, अ ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क रिच इन लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन, है ना, अल्फा लैक्टोब्यूमिन प्रोटीन में ये होता है रिच, दिस इज ऑल्सो राइट. एंडी वॉज अ ट्रांसजेनिक डॉग, नो इट वॉज अ ट्रांसजेनिक मंकी. तो आपको रॉन्ग पूछा था, तो येस, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना. एंडी, दैट इज ANDI, एंडी क्यों बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इंसर्टेड DNA, उसको उल्टा पढ़ना है,
ठीक है, IDNA, inserted DNA. तो दैट वॉज अ ट्रांसजेनिक मंकी, नॉट वॉज अ ट्राई, इट वॉज नॉट अ ट्रांसजेनिक डॉग. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, प्लीज भूलना नहीं आपको ये सारी चीजें. बट टेंशन मत लो, आज हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, ये सेशन आपका होने वाला है, कल भी होगा, परसों भी होगा, आपके नीट के पहले तक ये सारे मैं बार बार गेस्ट पेपर ले आऊंगी. कल और बेटर क्वेश्चन होंगे हमारे पास कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें ये बहुत बड़ा डाउट है. क्या डाउट है हम सबको कि यार किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग, एवरीबडी इज यू नो दे आर टेंस्ड कि क्या हो सकता है. सोचो मत क्या होगा, हमें ना सोचने के लिए हम लेके आ रहे हैं आपके पास गेस्ट पेपर, तो उसको आप सॉल्व कीजिए. आपका काम है कि जो भी चीजें आपने 2 साल तक पढ़ी है उसको बस अब आपको जाके अप्लाई करना है. अब वहां जाके जो होगा होगा, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना. तो बेकार का टेंशन लेके अपने आपको स्ट्रेस्ड आउट मत कीजिए इस टाइम पे. रिलैक्स, जस्ट घर जाओ, आराम से बैठो, एंजॉय करो, पढ़ो. ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो, MCQ सॉल्व करो. ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज मेरा स्पेशल क्लास, एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास मैंने रखा है आज 8:30 को. नॉर्मली मैं हमेशा 4:30 PM को लेती हूँ, है ना, हमेशा मेरी 4:30 को ही होती है, राइट. आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि क्योंकि संडे को आपको पता है कि डाउट सेशन तो होने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि आपका उस दिन एग्जामिनेशन है. तो क्यों ना आज डाउट सेशन वो कर लेते हैं, जो भी डाउट है आपको, पेरी प्लैनेट अमेरिका ना जो आपका है ना कॉकरोच, इसके ऊपर जो भी डाउट है आप आज मुझसे पूछ सकते हैं 8:30 बजे. अभी ये क्लास शुरू होने वाला है कुछ आई थिंक 20-25 मिनट में. ठीक है गाइज, तो बिफोर आई गो लेट मी टेल यू कि मेरी प्लस कोर्सेस लॉन्च हो चुकी है. तो आप प्लस कोर्सेस मेरा 14 सितंबर से शुरू होने वाला है. आप एक बार मेरा प्रोमो वीडियो को देख लीजिए, मेरे प्रोफाइल के नीचे अवेलेबल होगा, आपको पता चल जाएगा डिटेल्स में कि क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ. मैं आप ब्रीफ में बता देती हूँ, टारगेट 22 को मैं पढ़ाने वाली हूँ पहला, फिर 2021 भी होगा. फर्स्ट मैं 2022 से शुरू कर रही हूँ, उसका जो आपका लास्ट चैप्टर है ना 11th का, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उससे शुरू कर रही हूँ, राइट. पूरा हार्मोन, हार्मोन का मैकेनिज्म, इंटर सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन मैकेनिज्म कैसे होता है, सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम्स आई एम गोना एक्सप्लेन. आपकी हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के आपके क्या हार्मोन सीक्रेट होता है, क्या फंक्शन है, डिसऑर्डर्स क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें पढ़ाने वाली हूँ. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, लर्निंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को. देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. स्पेशल क्लास तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आज भी आप आ जाओ देख लो कैसे होता है स्पेशल क्लास. आज तो डाउट सेशन है अभी फिलहाल तो, है ना, तो उसमें सिर्फ डाउट्स ही मैं एंटरटेन करूंगी, पेरी प्लैनेट अमेरिका चैप्टर से, है ना, आपका जो कॉकरोच वाला चैप्टर है. नीट यूजी पे फिर क्लिक करना है, देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. इधर यू कैन गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. 1 ईयर का आप ले लो 2021 या 2022. तो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो, सपोज आप 2021 ले रहे हो, आप बोलोगे अरे मैम आप तो 11th पढ़ाए हम क्यों आए, तो आपका क्या नीट में 11th का चैप्टर नहीं आएगा क्या? आएगा ना, तो आपको भी वो बेनिफिशियल होगा और बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है. जैसे आपको 2500 कॉमन देना है फॉर 1 ईयर, दैट वुड बी अराउंड 27,000 फॉर एन एंटायर ईयर ओनली. और 2 साल का तो आपको और कम है, 30,400 ही देना. कोई भी ले लो प्लान, 10% बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, बट उसके लिए यू हैव टू अप्लाई दिस कोड SWAGATA. दिस इज योर कोड हियर, अप्लाई दिस कोड टू अवेल द डिस्काउंट. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू ऑल एट अराउंड 8:30 PM शार्प. कहाँ पे? ऐप में, अनकैडमी के ऐप में. ठीक है, बाय गाइज, स्टे सेफ एंड आई सी यू एट इट.